क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया दी ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रात के बजने वाले हैं 10, अभी पता भी नहीं चला। और यहाँ पे कैमरा यहाँ से हट गया, वॉच हट गई है क्योंकि यहाँ पर डेकोर हुआ है, तो स्क्रीन पे मैं लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से हुआ है जैसा हमने सोचा था, इस बार बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ है। दिया गया था बट उस हिसाब से उन्होंने खुद ही ये चीज बोली कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चीजें नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी खुद गलती मानी है। तो बट पैसा मैंने पूरा दे दिया, हम लोग पैसा कट नहीं करते हैं। और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, देखिएगा इनकी इनकी हरकतें, देखिएगा एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों से वहाँ बात करूंगा ना कैमरे में, अभी इनको देखिएगा, इनसे बात ना करो तो फिर देखो ऐसे, ये देखिए ऐसे, हाँ अभी देखना इनका, अच्छा अभी तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल, ये देखिए देखिए, हाँ क्या क्या बोलो बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल मुंह के पास मुंह लाके जब तक इनसे ना बात कर लूं तब तक, या तो फिर ए ए ए पापा। ये मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, डेकोर मैंने कहा था कहीं चलेंगे बाहर बैठ के डिनर वगैरह कर लेंगे, उधर ही बैठ के केक कट कर लेंगे सिंपल सा, तो फिर ये भाई साहब अपना क्या इनका प्लानिंग व्लानिंग हुआ क्या लास्ट टाइम जब नहीं नहीं नेहा का बर्थडे था उसी दिन नंबर वंबर ले ली थी डेकोरेटर का, बोली हमको दे दो नहीं, खुद ही जो है सारी पिक वगैरह सब निकाल के उसको सब भेज दिया, उसको भेज दिया, फिर आया हमने, जब हमारे देखे तो हमको क्या बिल्कुल एकदम घटिया किया है, क्योंकि पैसा तो हमको फॉरवर्ड करना था ना, बोली इतना हुआ इतना, तो इसके बाद केक भी वही पिछली दो बारों से ऐसा हो रहा है कि बनाना है नहीं बनाना है। आरती भी काम छोड़ के चली गई, तो उसकी वजह से कुकिंग वगैरह देखनी पड़ रही थी, फिर ये लोग बहुत लेट आए, इसकी वजह से ना हम घर पे नहीं बना पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आरती काम छोड़ के क्यों गई मैं आपको उसके वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल हम जो है बर्थडे है इस टॉपिक पे बात करते हैं। और इतने लोग दिख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे नेहा आए तो अभी तैयार हो रही है, ये हमारे पास ही रहती हैं क्या, अब नहीं रहेंगे, उनका सोने का टाइम हो गया है, तो भी तो बातें हो गई बहुत ज्यादा, आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग भर भर के दुआएं दीजिए ताकि मैं फिट एंड फाइन रहूं, क्योंकि बहुत सारे सरकमस्टेंसेस मतलब ऐसे थे कि अब वो आप लोग अवेयर भी हैं, लेकिन कुछ सारी चीजें ऐसे हैं कि जिनको मतलब ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता, बोला भी नहीं चाहिए। एक मिनट प्रत्युष, आप लोगों की कृपा से हम बेटर फील कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चू, मैं पापा के डैड काम करता हूं, ये मेरा लाडला है, ये पापा से सबसे ज्यादा डांट भी खाते हैं, नहीं लेकिन पापा कम डांटते हैं, पापा सबसे ज्यादा इनको प्यार भी करते हैं, और पापा से इनकी बनती भी है, कोई काम करना हो सबसे पहले पापा से ही पूछते हैं, ये पापा ये कर लूं, पापा वो कर लूं, पापा यहाँ जाना है, पापा वहाँ जाना है, पापा वाले तो मैं बोलता हूँ जा अपनी मम्मा से पूछ ले लो, क्योंकि वो सारे फोन उनके, मेरे पास केवल एक आईफोन है, हाँ एक ही आईफोन है, मेरा चाहो तो ले लो, नहीं आपका नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गेम खेलने के लिए, इनको चाहिए होता है एंड्रॉयड, हाँ इनको एंड्रॉयड चाहिए होता है, हाँ टीवी का रिमोट दो तीन रिमोट तोड़ डाले हैं, अभी फिर नए रिमोट के उसको ऐसे करते हैं, ऐसे ठक 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 करके चलाते हैं, अभी प्रति उसका एग्जाम है 15 से, ठीक है तो अभी आफ्टर 5 डेज आपका एग्जाम है, हाँ तो अभी और इनका एग्जाम खींच रहा है भाई साहब 31st तक, जिस दिन प्रियो का बर्थडे है, ठीक है फिलहाल, बाकी केक वगैरह की प्रिपरेशन चलेगी, तो आप लोगों को अब वो प्रिया आपको दिखाएगी कैसे क्या क्या प्रिपरेशन है, फुल डेकोर बाकी कैसे क्या करवाया उन्होंने, वो सारा कुछ आपको जो है वीडियो में लगा के देंगी, स्टार्टिंग में या एंड में जहाँ भी अपना सुटेबल समझेंगे, एक आप उनके ऊपर है। फ्रेंड्स हमारे बच्चे सो गए, सुला दे सबको, अब क्या करें, इतना रो रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो अब मैं केक लेके कैसे खड़ा, सोच रहा हूँ मुझे कटर मिले, मैं इसको काट काट के किनारे, अरे रुको यार मुझे थाली बना ले, टीकों को लगा ले, अरे ठीक है सुन एक काम करो, टीका चले जाओ भगवान जी के यहाँ, टीका लाओ वही लगा दो, ठीक है
ठीक है, उससे बेटर क्या टीका हो सकता है। दो भैया चाकू काटे, बच्चों को सुला के जो है क्या बोलूँ, इन लोगों ने औरतों का काम टाइम वेस्ट वेस्ट वेस्ट। चलो जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ केक के मर्डर का। हाँ हाँ, केक का टेस्ट लें, क्योंकि अब की बार केक ना इन लोगों को पसंद का है, तो वही मैं देखना चाह रहा हूँ भैया क्या क्या गुल खिलाई है लोग, कौन सा केक है, कौन सा केक है ये, पता नहीं कौन सा गुल है, ये एक्चुअली वाइट चॉकलेट का है। अच्छा चॉकलेट भी वाइट होने लगी, वाह। ऐसा डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, चॉकलेट हमने वही चॉकलेट ही, मुझे मालूम था वाइट चॉकलेट। एक जो जर्मन टफल आता है वाइट चॉकलेट टफल, तो मालूम है भैया उसी का पूछे बताए थे कि वो ब्लैक, मतलब एक ब्लैक फॉरेस्ट होता है। गिरा दो सर। कोई बात नहीं, जल्दी लाओ चाकू लाओ, व्यवस्था करो, इसी हाथ पे काटूंगा इसको आज। सेट, मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं कर सकता काबू, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे बाबू। स्टार्ट। कटवा दो मेरे, तुम्हें बर्थडे काट दूंगा इसी से। मेरे दिल से हमारे सुला दिए, तो बच्चे हमारे सो गए, क्योंकि टाइम अगर 10:30 का, प्रत्येक को मॉर्निंग में जाना रहता है स्कूल, वो 6:00 या 6:30 पे उठता है, तो वो भी सोने के बिल्कुल सो ही गया है। हाँ कगार पे हमको भी जबरदस्ती जगाया जा रहा है, मतलब पकड़ के बैठा लगा था, बैठा बोल रहे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मना कर दिया भाई, मुश्किल से 3-4 भाई, मन ने मना कर दिया, मन ने कुछ ना करना, अब प्लास्टिक कटवाना तो कटवा रहा है। कौन से हस्बैंड होते हैं जो खुद ब्लॉगिंग करते हैं, एक मेरे भी है कोई भाई, बोल तो रहा हूँ और क्या करूँ, अरे कोई इनको सिखा दो। चलो फिर भैया बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाचू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा बर्थडे ना, ध्यान में रखने वाले हैं, देखो बाय गाइस, हम देखा हुआ पूरा उसमें केव हो गई है, क्या तुम्हारा बर्थडे कहाँ है, लगा दो हमारे से, तुम ही लगा ले, नेट नेट मत लगाना। सोचो सोचो, इतना केक पीप ने खाया हुआ है और एक भी फोटो नहीं क्लिक की गई, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में कैमरा लगा दिया और ब्लॉग बन गया। अभी याद आ रहा है कि थंबनेल तो मैंने खींचा ही नहीं, कोई नहीं, अब स्क्रीन शॉट लेके बनाएंगे और क्या करेंगे। तो चलो एक दो पिक्चर क्लिक कर ले, मैं मेरे साथ क्लिक कर लेती हूँ, बाकी दीपिका देखेंगे, उनका कुछ एडिट करके लगा देंगे, मतलब स्क्रीनशॉट लेके। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, इसके बाद आप लोगों से डिनर करते टाइम मिलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, शाम के बजने वाले हैं 7, आप देख सकते हो आज है संडे, और डेट कौन सी है बेटू, 14th है आज है, 10th को दीप का बर्थडे था, इसके बाद मैं आज कैमरा उठा रही हूँ। हम लोग एक्चुअली निकले थे प्रियू के बर्थडे के लिए होटल देखने, एक दिन हम और गए थे, शायद 10th को ही गए थे, लेकिन ये वाला ब्लॉग हमने एंड नहीं किया था बर्थडे वाला, तो हमने सोचा कि चलो बात करते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं। दीप वहाँ गए हुए हैं, वहाँ दिख रहे हैं ना, वो प्रियू को लेके गए हैं पराग मिल्क बूथ जहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग आए थे एक बार किसी काम से, एक
जमीन देखने आए थे, तो जो जमीन दिखाने आए थे ना, उन्होंने हमें यहाँ की चाय पिलाई हुई थी, तो चाय में बहुत टेस्टी लगी थी। सुदीप ने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो चाय पी लें, इसके बाद करते हैं इस व्लॉग का एंड। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।